नमस्कार तो 11 दिसंबर 2022 को जो था वो पेपर कंडक्ट करवाया गया था जूनियर इंजीनियर का पेपर ये जो जूनियर इंजीनियर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था इसका पोस्ट कोड था 1004 और इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो जेबीटी सब इंस्पेक्टर टी टी कोई भी आने वाला एग्जाम हो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है क्वेश्चन नंबर 57 से अभी हम स्टार्ट करेंगे 57 में बोलते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट तो बोलते हैं कि गंधार कला शैली के बारे में कौन सा कथन सही है देखो गंधार कला शैली के बारे में जो कथन सही है इनमें से पहले आप चार के चार स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए सही आंसर मैं आपको बताता हूँ सही आंसर है ऑप्शन डी इट वॉज ग्रीक इन टेक्निक एंड इंडियन इन दी थीम तो बोलते हैं कि ये तकनीक में तो ग्रीक था परंतु इसकी थीम जो थी वो इंडियन बेस्ड थी इंडिया के ऊपर बेस्ड थी अच्छा थीम बोला गया है ना कि इंडियन बेस्ड है। तो इसकी थीम थी क्या इसकी थीम जो था वो बुद्धिस्ट के ऊपर फेम थी या बुद्धाप कह लीजिए बुद्धा बोधिसत्व के ऊपर जो था वो इसकी थीम बेस्ट थी एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि ये किसके कार्यकाल के दौरान फली फूली थी ये कनिष्क के कार्यकाल के दौरान फली फूली थी कई बार पूछ लिया जाता है गंधार स्कूल ऑफ पेंटिंग या गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो किसका मिश्रण है किसका ये मिक्सचर है ये मिक्सचर है एक तो इंडियन स्टाइल का और दूसरा ये कुषाण स्टाइल का मिक्सचर है तो इंडियन और कुषाण स्टाइल दोनों या फिर कनिष्क स्टाइल आप कह लीजिए इन दोनों का मिक्सचर जो है वो इसको माना जाता है तो ये इसके बारे में दो तीन क्वेश्चन जो आपके क्लियर हुए यहाँ से उनको एग्जैक्टली exactly ध्यान रखना ये गलत नहीं होना चाहिए

शाहजहां इसका सही आंसर होगा शाहजहां के कार्यकाल के दौरान जो भी जो भी शाहजहां के कार्यकाल के दौरान बिल्डिंग्स बनी थी वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुगल आर्किटेक्ट को दर्शाती भी थी कैसी दर्शाती थी अब आप नाम सुनिए बिल्डिंग्स के Universe. आपको खुद समझ आ जाएगा आपने ताजमहल का नाम सुना है ना ताजमहल ताजमहल किसके कार्यकाल के, के दौरान बना था शाहजहां के कार्यकाल के दौरान बना था आपने नाम सुना होगा जामा मस्जिद का मोती मस्जिद का तो ये किसके कार्यकाल के दौरान बनी थी ये भी शाहजहां के कार्यकाल के दौरान बनी थी लाल किला आपने सुना है लाल किला भी शाहजहां के कार्यकाल के दौरान जो था वो बना था तो ये जरूर, जरूरी चीजें आपने ध्यान रखनी है कि ये किस किस के कार्यकाल के दौरान बनी और ये क्यों इम्पोर्टेंट भी है इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछे जाएंगे क्वेश्चन क्या इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोती मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई थी वो कहाँ पर स्थित है मोती मस्जिद स्थित है आगरा में ये ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ताजमहल जो है ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया था उसको किसने डिजाइन किया था उसको डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तो उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम ध्यान रखना है तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में डेफिनेटली पहले भी क्वेश्चन बने हैं और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लेना ना शाहजहांबाद सिटी जो है वो किसने बनवाई थी तो ऑब्वियसली शाहजहां ने बनवाई थी और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आगरा का किला किसने बनवाया था तो आगरा का किला जो था वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था शाहजहां सही करके मत जाना अकबर ने जो था वो आगरा का फोर्ट बनवाया था ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं पंचवक्रता वक्ता पंचतंत्रा वॉज रिटर्न ड्यूरिंग द तो बोलते हैं ये जो आपका पंचतंत्र है ना पंचतंत्र ग्रंथ ये किस काल के दौरान लिखा गया था ध्यान ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कई बार इसमें कन्फ्यूजन मत कि किसने लिखा था पूछा गया है कि किस काल में लिखा गया था कौन सा पीरियड था वो तो ये लिखा गया था कौन से काल में गुप्त काल के दौरान ये लिखा गया था ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा अब पंचतंत्र का जो ग्रंथ है इसमें कहानियां हैं पंचतंत्र स्टोरीज भी इनको कहते हैं ये किसके द्वारा लिखा गया था अब राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा एग्जाम में राइटर थे विष्णु शर्मा विष्णु शर्मा के कार्यकाल के दौरान जो था ये लिखा गया था विष्णु शर्मा इम्पोर्टेंट है नाम तो इनको भी आप ध्यान रखिए और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन अलग अलग ग्रंथों के बारे में पूछ लिया जाएगा तो मैं इंपॉर्टेंट ग्रंथ आपको रिवाइज करवा देता हूँ जैसे कि रामायण किसने लिखी थी वाल्मीकि ने लिखी थी महाभारत किसने लिखी थी वेद व्यास ने लिखी थी अर्थशास्त्र किसने लिखा था ग्रंथ अर्थशास्त्र जो था चाणक्य ने लिखा था अष्टाध्यायी ग्रंथ था अष्टाध्यायी ग्रंथ जो था वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था इसके अलावा बुद्ध चरित किसने लिखी थी वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी ये ध्यान रखना है रास्तरंगिनी किसने लिखी थी कलहन के द्वारा लिखी गई थी सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ जो था वो विशाख

बोलते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से गलत है अगर हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की पहले तो पता अगर आपको ये होगा ना कि ये बैटल ऑफ बक्सर हुई कब थी तो आप इस क्वेश्चन को सही कर देंगे ये बैटल ऑफ बक्सर जो था वो 1863 में नहीं हुई थी पहला ही ऑप्शन सही है बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन एटीन ये बिल्कुल गलत है अब क्वेश्चन तो ये भी बन जाएगा ना कि बैटल ऑफ बक्सर हुई कब थी तो वो भी आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ बक्सर जो था वो कब हुई थी तो बक्सर की लड़ाई जो था ये इंपॉर्टेंट लड़ाई है और ये लड़ाई हुई थी 1764 में कब हुई थी 1764 में एक और इसी तरह की लड़ाई है वो है बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ पलासी कब हुई थी वो 1757 में हुई थी 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई सेवनटीन में बैटल ऑफ बक्सर हुई इन लड़ाइयों के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर जो था वो किस किस के बीच में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर जो था ये हुई थी मीर कासिम जो कि नवाब थे बंगाल के जो मुगल एम्प्र थे शाहजहां शाह आलम सेकंड शाह आलम सेकंड और और अवध के नवाब हो गए और अगेंस्ट इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ जो था ये लड़ी थी ये आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछ लेता जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर में इंडियन जो आर्मी थी ब्रिटिश आर्मी थी उसको कौन लीड कर रहा था कमांड कर रहा था उसको तो उसको जो था वो मेजर जो था, वो कमांड कर रहे थे मुनरो का नाम ध्यान रखना है और बाकी स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे ना जैसे कि मीर कासिम रौ, दी बैटल ऑफ बक्सर कि मीर कासिम जो थे ना इनको यहाँ से खदेड़ दिया गया था ये यहाँ पर हार गए थे ये स्टेटमेंट भी सही है तो ये ध्यान रखना कि हार किसकी हुई थी मीर कासिम की हार हुई थी मीर कासिम के साथ जो था वो नवाब के अवध भी थे नवाब के सम्राट भी थे उस टाइम इनके साथ और जब ये बैटल हो हो गई थी ना बैटल तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ब्रिटिश अंग्रेजों ने जो था वो बंगाल के प्रशासन पर अपना अधिकार कर लिया था तो ये भी ध्यान रखना है तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स से भी क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो ध्यान रखिए इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट बैटल आपको रिवाइज करने का मौका मिला है तो इम्पोर्टेंट बैटल भी आप एक बार रिवाइज कर ही लीजिए एक तो बैटल ऑफ पलासी होगी बैटल ऑफ बक्सर हो गई इसके अलावा जो था वो पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो 1775 में हुआ था दूसरा एंग्लो मराठा वॉर जो था वो कब हुआ था दूसरा एंग्लो मराठा वॉर जो था वो 1803 में स्टार्ट हुआ था और तीसरा तीसरा जो एंग्लो मराठा वॉर था वो कब हुआ था वो 1870 में हुआ था तो ये तीनों के तीनों एंग्लो मराठा वॉर भी आपने ध्यान रखने हैं तो ये मराठा वॉर हो गए एंग्लो मराठा वॉर जिनको आप कहते हैं दो बैटल्स हो गई काफी है अगला 61 क्वेश्चन देखिए बोलते हैं हु वॉज नोन एज निर्गुणा रिफॉर्मर तो बोलते हैं है इन इनमें से कौन निर्गुण सुधारक के रूप में जाना जाता था तो निर्गुण और सगुण इन दोनों के बारे में आप भरते हैं निर्गुण के बारे में इनमें से कौन जाने जाते हैं ऑप्शन सी कबीर जो है वो सही आंसर है ये एसच क्वेश्चन हमने पढ़ा है और कबीर के बारे में आपने ये भी पढ़ा है कि कबीर के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद तो रामानंद जो था वो कबीर के गुरु हुए और रामानंद के गुरु कौन हुए तो रामानुज के रामानुज जो था वो रामानंद के गुरु हुए एक बार फिर से सुनिए रामानंद गुरु हुए कबीर के और रामानुज गुरु हुए रामानंद के कबीर जो थे ना कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बहुत बल जो था वो दिया था इन्होंने जो था अपने कार्यकाल के दौरान निर्गुण भक्ति के ऊपर ज्यादा बल दिया इन्होंने जात पात का विरोध किया इन्होंने मूर्ति पूजा का मूर्ति पूजा को एक तरह से स्वीकारा नहीं उसको अस्वीकार किया इन्होंने अपनी जिंदगी में गुरु को जो था वो सर्वोच्च स्थान देने की बात कही कि गुरु सबसे ऊपर है और सगुण भर सगुण भक्ति संत भी हुए निर्गुण भक्ति संत हुए सगुण भक्ति संत हुए ये जो सगुण भक्ति संत थे इनमें शंकराचार्य आ जाते थे निम्बाचार्य आ जाते थे माधवाचार्य आ जाते थे सूरदास आ जाते थे ये सारे लोग जो था वो इसमें आ जाते थे शंकराचार्य के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा शंकराचार्य चार्य ने जो था चा वो चारों दिशाओं में जो था वो चार मठों की स्थापना की थी उत्तर में केदारनाथ की स्थापना की गई थी दक्षिण में जो था वो श्रृंगेरी मठ की स्थापना की गई थी पूर्व में जो था वो पूरी मठ की स्थापना की गई थी और पश्चिम में जो था वो द्वारिका मठ की स्थापना की गई थी यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में डेफिनेटली तो इसको ध्यान रखना और अद्वैतवाद की फिलॉसफी के बारे में पूछा जाता है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था तो वो दिया गया था शंकराचार्य जी के द्वारा वो भी पता चल गया तो ये काफी क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो गए 62 में बोलते, बोलते हैं बोलते हैं विच सुल्तान ऑफ द स्लेव डेंसिटी रेंड रेंड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड तो बोलते हैं कि गुलाम वंश के किस सुल्तान ने सबसे लंबी अवधि के लिए जो था वो शासन किया था गुलाम वंश जो था वो ना आपका इसके एक शासक ऐसे हुए जिन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए सर्वाइव किया उनका नाम क्या था अल्तुतमिस उनका नाम था तो 62 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा शमस उद्दीन अलतुतमिस शमस उद्दीन इल्तुमित अल्तुतमिस का नाम आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था वो लॉन्गेस्ट अवधि तक जो था वो शासन किया था या फिर लॉन्गेस्ट अवधि तक ये रहे इलतुतमीश के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इलतुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो था वो जो था वो बना शासक और ये भी ध्यान रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता था ये दास होने के साथ साथ इनका दामाद भी था ये और कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश था इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल के दौरान अच्छे अच्छे काम किए जैसे कि चालीसा चालीसा को चालीस अमीरों का समूह भी कहा गया इसका इसने गठन किया था इसने जो था और आ, कुछ सिक्कों को भी इंट्रोड्यूस किया जैसे कि टका जो चांदी का होता था उसको इसने इंट्रोड्यूस किया जीतल जो तांबे का होता था उसको इसने इंट्रोड्यूस किया इसने जो था वो एकता संस्था का प्रयोग भी किया था एकता एकता व्यवस्था जो थी इसका इस्तेमाल क्यों किया गया था ताकि जो भारतीय समाज में सामंतवादी व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए इसलिए एकता व्यवस्था का उपयोग किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर दिया गया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसका कार्य तो तुम ने बाद में चलकर पूरा करवाया था बलबन ऑप्शन में दिया गया है तो बलबन जो था बलबन इल्तुतमिश का ही एक दास हुआ करता था बाद में चलकर शासक भी बना था नासिरुद्दीन मोहम्मद भी जो था वो शासक रह चुका था इसके मरने के बाद जो था वो बलबन शासक बना था और इसकी मृत्यु हुई थी नासिरुद्दीन मोहम्मद की बारह में जो था वो इसकी मृत्यु हुई थी और फिर बलबन जो था वो शासक बना था तो ये सारा सीनारियों भी ध्यान रखें आगे देखिए बोलते हैं द क्लेर कॉल दिल्ली चलो बॉस गिवन बाय तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था ये दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था ऑप्शन सी सही आंसर है अब सुभाष चंद्र बोस ने तो दिल्ली चलो का नारा दिया इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये 1938 में बने दूसरी बार नाइनटीन में जब सेशन हुआ उसमें भी जो था वो ये फिर से खड़े हुए और ये जीत भी गए इनके अगेंस्ट जो था वो किसको खड़ा किया गया था इनके अगेंस्ट जो था वो खड़ा किया गया था पट्टा भी सीतारामैया को पटाभी सीतारामैया हार गए गांधी जी ने पटाभी सीतारामैया को खड़ा किया था तो बाद में चलकर गांधी जी ने यह कहा था कि ये सीतारामैया की जीत हार नहीं है ये मेरी हार है तो इस तरह से 1938 में पहले तो ये जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1939 में भी बने परंतु फिर बाद में चलकर जो था वो जब पटाभी सीतारामैया को हराया तो बहुत सारे डिस्प्यूट जो था वो बीच में हो गए थे ये ध्यान रखिए दूसरा इसी तरह का नारा है करो या मरो का नारा ये किसने दिया था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इस तरह का नारा किसने दिया था यह नारा जो बीच जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस जो थे ना इनके मतभेद जरूर महात्मा गांधी के साथ रहे होंगे वो थोड़े से हो सकते हैं कि महात्मा गांधी जो था वो अहिंसा के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे और सुभाष चंद्र बोस उस बात को मानने से कहते थे हालांकि बाद में चलकर जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया न, तो उनको भी रियलाइज हुआ था कि अब देश के लिए लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा तो बहुत रिस्पेक्ट ये एक दूसरे के विचारों की करते थे बस थोड़े थोड़े मतभेद कहीं पर बीच में आ जाते थे और अदरवाइज ये बहुत रिस्पेक्ट एक दूसरे के करते थे कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट ये नहीं थे अगला क्वेश्चन देखिए 64 क्वेश्चन नंबर बोलते हैं द ब्रिटिश लॉ विच प्रोवोक्ड महात्मा गांधी टू क्रिस्टेड फॉर द एशियंस इन साउथ अफ्रीका वॉज कॉल्ड तो बोलते हैं ब्रिटिश कानून जिसने दक्षिण अफ्रीका में एशियाई लोगों के लिए धर्म युद्ध के लिए महात्मा गांधी को उकसाया था कहलाता है तो ब्रिटिश कानून था एक जिसने जो था जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में हुआ करते थे तो महात्मा गांधी ने वहां पर देखा कि यहाँ पर इन लोगों के साथ तो भेदभाव हो रहा है जो एशिया के लोग हैं तो महात्मा गांधी ने जो था महात्मा गांधी वहां से थोड़े से जागरूक हुए यहाँ से ही इनकी मूवमेंट जो था वो चली थी इनका पार्टिसिमेशन जो था वो चला था तो ये एक्ट पूछते हैं कि ये एक्ट आपको बताना है कौन सा है ये एक्ट था ऑप्शन बी 64 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था क्या था ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था ये एक्ट जो था वो 1906 में पास किया गया था 1906 में पास किया गया था साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के द्वारा आप कह लीजिए इस एक्ट में कहा क्या गया था ऐसा कि महात्मा गांधी जो था वो इसको लेकर थोड़े अग्रेसिव हो गए उनको उकसाया गया यहां से इस एक्ट ने ना एक थम प्रिंटेड सर्टिफिकेट जो कि एशियाई लोगों की आइडेंटिटी बता सके ना वैसा बनवाना अनिवार्य कर दिया था कि एक थम यानी कि अंगूठा अंगूठा जिसके ऊपर लगा होना चाहिए थम प्रिंटेड सर्टिफिकेट हमेशा उनके पास जो है वो होना चाहिए गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट भी कहा था काला कानून भी जो था वो गांधी जी ने इसको कहा था और यहीं से गांधी जी का जो था वो आंदोलन आप कह लीजिए आंदोलन शुरू हो गए थे जब वो साउथ अफ्रीका में थे फिर बाद में चलकर जब वो इंडिया आए तो गांधी जी इंडिया कब आए थे पहला ये भी क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी उन्नीस में जो था वो इंडिया वापिस आ गए थे जब ये इंडिया वापस आए तो इसके बाद इन्होंने यहां पर अलग अलग सत्याग्रह किए जैसे कि 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन किया 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ था फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन भी जो था वो चलाया था असहयोग आंदोलन चलाया बीच में चौरा चौरी की घटना हो गई 1922 में तो असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया था इन्होंने बाद में चलकर डांडी मार्च चलाई डांडी मार्च जो था वो 1930 में चलाई गई थी एग्जैक्टली ये बारह मार्च उन्नीस को चलाई गई थी और छह अप्रैल उन्नीस तक चली थी तो इस तरह से गांधी जी के आंदोलन जो था वो बाद में चलते गए चलते गए और जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए 1942 में तो गांधी जी ने नारा भी दिया करो या मरो का नारा तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है आगे क्वेश्चन में बोलते हैं सिक्सटी में बोलते हैं हु प्लेड दी प्रोमिनेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट दी लखनऊ पैक्ट तो बोलते हैं लखनऊ समझौता लखनऊ समझौता जो था वो संपादित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी जो लखनऊ पैक्ट था ना आपका इसको संपादित करने में जो किसी एक पर्सन पर्सन फिर आप जिसकी विशेष भूमिका रही थी वो थे महात्मा बाल गंगाधर तिलक सिक्सटी फाइव का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है अब लखनऊ पैक्ट के बारे में ध्यान रखना है कि ये पैक्ट आया कौन सी ईयर में था नाइनटीन सिक्सटी में जो था ये पैक्ट आया था अब 1916 में ये पैक्ट आया था आपने ध्यान रखना है कि सरोजनी नायडू ने जो था वो जिन्ना को जो था वो चीफ आर्किटेक्ट भी कहा था लखनऊ पैक्ट का किसने कहा था सरोजनी नायडू ने कहा था ये जो लखनऊ एक्ट था इसके मेन क्लाउजिज क्या क्या थे इसके इसमें इसके जो मेन बातें कही गई थी वो तो एक स्वराज की कही गई थी सेल्फ गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं इसमें कहा गया था कि मुस्लिम्स को भी जो है वो वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में दी जाए इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए और इसमें बात की गई थी कि वेटेज सिस्टम होना चाहिए जैसे कि पंजाब बंगाल बॉम्बे तो इन सभी को जो है वेटेज के वेटेज देनी चाहिए अलग अलग सी जैसे पंजाब को 50 परसेंट वेटेज दे दी बॉम्बे को 33, बंगाल को 40 परसेंट वेटेज दे दी तो ये सब बहुत सारी बातें भी इसमें की गई थी और भी बहुत सारी बातें अब इसको लखनऊ पैक्ट क्यों कहा गया इसको लखनऊ पैक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि 1916 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो लखनऊ में हुआ था और अंबिका मजूमदार जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सेशन की ये भी ध्यान रखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेजिडेंट कब बनी थी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट जो था वो बनी थी एनी बेसेंट और 1917 में बनी थी ये आपने ध्यान रखना है अब ये क्वेश्चन हाईकोर्ट क्लर्क के लिए भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है तो अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे है ना और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जो भी आपकी स्टडी में एक दो कमियां आपकी रह जाती हैं ना पेपर में जाके उनको आप कवर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज से अगर आप चाहें अगला क्वेश्चन देखिए सिक्सटी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोलते हैं बोलते हैं विच फीचर डज नॉट बिलोंग टू फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे तो पॉलिटी का क्वेश्चन है खैर डिस्कस कर लेते हैं बोलते हैं कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है जब नहीं आपसे पूछा गया है तो फेडरल गवर्नमेंट से संबंधित नहीं है ऑप्शन डी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव कोऑर्डिनेट स्टेटस तो बोलते हैं कि केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों का समकक्ष दर्जा होता है फेडरल गवर्नमेंट होती किस तरह की गवर्नमेंट है पता होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट इस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट के बीच में और रीजनल जो क्षेत्रीय गवर्नमेंट होती है उसके बीच में और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ये चीजें होती हैं इसमें जो जुडिशरी होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है यहाँ का वो भी रिटर्न में होता है डिविजन जो पावर्स की होती है ना वो भी सेंटर ऑफ स्टेट के बीच में होती है तो ये होती है फेडरल गवर्नमेंट और इसमें आपने ये बात जरूर ध्यान रखनी है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होता कि उसको ऐसे ही अमेंड कर दिया किसी ने भी वो बड़ा रिजिड होता है बड़ा स्ट्रांग होता है एक तरह से वो भी ध्यान रखिए तो चलो ये आप ये भी क्वेश्चन आपने यहां से डिस्कस कर लिया अब एक हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सिकंदर सिकंदर जब भारत आया था तो कहा जाता है कि उसने पोरस को जो था वो युद्ध में हराया था तो कौन से युद्ध में उसने पोरस को हराया था ये ध्यान रखिए आप इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए सिकंदर ने किस युद्ध में पोरस को हराया था इसका नाम युद्ध का नाम आपने कमेंट करके बताना है और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना वहां से सर्च करना इस तरह से एट द रेट ऑल एग्जाम थर्टी वन आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहां पर आपको हर एक इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो भी आंसर की जाती हैं इंपॉर्टेंट पेपर्स के क्वेश्चन वो सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी जहां से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल सके बाकी क्लर्क हाईकोर्ट की टेस्ट सीरीज का आपको पता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को एक शेप देना चाहते हैं ना तो टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहें इस वीडियो में इतना ही काफी है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली